इज बिनराना और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्फोग्राफिक्स क्या है और इन्फोग्राफिक की हेल्प से हम बैकलिंक कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसका उद्देश्य किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के मैटर को समझने में आसान बनाना है। ठीक है, तो उसे हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लाइक जैसे आपको ये बताना है कि SEO एज ए कैरियर ऑप्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, ग्राफिक्स के थ्रू उसको किसी को समझाओगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये इन्फोग्राफिक है कि वाई टू चूज SEO एज ए योर कैरियर, तो इसमें 5 पॉइंट डिफाइन है जो में कैरियर आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक ही नज़र में इसको देखेगा उसकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इन्फोग्राफिक बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, इन्फोग्राफिक सबमिट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है वहाँ से हमें क्वालिटी बैकलिंक मिलता है। दूसरा बेनिफिट्स है हमारी ब्रांडिंग हो जाती है। तीसरा बेनिफिट्स है इसमें हमें कंटेंट की नीड नहीं होती, विदाउट कंटेंट हम बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ बेनिफिट्स है वहाँ से हमें क्वालिफाइड ट्रैफिक मिलता है। इन्फोग्राफिक सबमिट करने से पहले आपको इन्फोग्राफिक बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्फोग्राफिक हम कैसे बनाते हैं और इन्फोग्राफिक की हेल्प से हम बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप इन्फोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड में। ठीक है, तो ये canva.com है, ये एक ऑनलाइन टूल है जिसकी हेल्प से हम इन्फोग्राफिक क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, पहले इस canva.com पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको टेम्पलेट में जाना है। टेम्पलेट में जाके आपको इन्फोग्राफिक सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इन्फोग्राफिक टेम्पलेट पे जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट को शो हो रही होंगी। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आपको कोई भी डिज़ाइन जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो यूज दिस टेम्पलेट पे आपको फिर क्लिक करना है। ठीक है, इसकी परसेंटेज आप बढ़ा लीजिए, जैसे 50% कर लीजिए इसको, जिससे आपको विजिबल हो दिखने में। ठीक है, इसमें सब डिग एंड ड्रैग है। ठीक है, जो भी कुछ आपको चेंज करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आइकन आपको चेंज करने हैं या क्रॉप करना है, छोटा करना है या स्मॉल करना है, ये सब आप कर सकते हो यहाँ पे। इसको कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमें किस टॉपिक पे इन्फोग्राफिक क्रिएट करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ये पेज है, ठीक है, ये SEO ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इन्फोग्राफिक क्रिएट करना है। ठीक, तो मुझे क्या करना है कि मैं ऐसा कुछ केस स्टडी लूँगा या ऐसी कोई रिसर्च लूँगा जिससे मैं ये समझा सकूँ कि SEO कैसे आपके मतलब एज ए कैरियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी एक इन्फोग्राफिक क्रिएट करूँ जिसमें ये मैं बताऊँ कि यदि आप SEO में कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो मैंने कोई एक टेम्पलेट इसमें से सेलेक्ट कर ली। ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसमें डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, ये मैंने इन्फोग्राफिक क्रिएट कर ली है। अब मैं इसको डाउनलोड कैसे करूँगा, तो मैं डाउनलोड बटन पे जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे ये PNG इमेज डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ये इन्फोग्राफिक डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप बैकलिंक कैसे बनाएंगे, तो जैसे Pinterest है, ठीक है, Pinterest.com, तो इस पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ आपको पिन पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये जो प्लस आइकन है इस पे जाना है आपको। ठीक है, जो आपने इन्फोग्राफिक अभी डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं इसका नाम भी यही दे देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ और डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मेरा पेज है, ठीक है, SEO, इसके लिए मैं बैकलिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसका लिंक दे देता हूँ, डेस्टिनेशन लिंक में मैं इसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है
जो भी मैंने बोर्ड क्रिएट किया होगा, और जैसे न्यू बोर्ड क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप न्यू बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक, जैसे मेरा पहले से ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे है जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए हैं वैसे ही ये बोर्ड है। ठीक है, तो अब मैं इसको मैं सेव कर देता हूँ। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे किस जिसके लिए मैंने बैक लिंक क्रिएट करा ये उस पेज पे ले जाएगा, तो ये बैक लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इन्फोग्राफिक साइटें होती हैं जिन पे आप जाके इन्फोग्राफिक सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इन्फोग्राफिक साइट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें आप गूगल की हेल्प लेंगे। गूगल में टाइप करेंगे इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट, तो यहाँ आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम इन्फोग्राफिक की हेल्प से बैक लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।